अच्छा लग रहा है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, इस साल दीपावली भी बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि हम सभी लोग साथ में थे, तीनों भाई और बहन भी। तो पिछले साल सिस्टर नहीं थी, बाकी हम सभी लोग थे। और इस साल चाचा नहीं है क्योंकि चाचा बाहर मशीन लेके गए हुए हैं, तो वहाँ से वापस नहीं आ पाए, यहाँ से बहुत दूर हैं वो, तो दीपावली पे वापस भी नहीं आ पाए। देखिए, हमारे यहाँ की धान पक गई है, सारी धान पक गई है सभी लोगों की। तो कल हमारे यहाँ लेबर भी आ गए हैं, एक दो दिन में कटाई स्टार्ट हो जाएगी। आज लेबर खाना पीना खा के गए हैं मार्केट सामान खरीदने के लिए, क्योंकि कटाई जब शुरू हो जाती है तो उनको समय नहीं मिलता है मार्केट जाने के लिए। तो आज गए हैं, आज फ्री थे वो लोग, तो जो भी सामान होगा उनका ले लेंगे, फिर कटाई शुरू हो जाएगी एक दो दिन में। और यहाँ पर देखिए, हैंडपम्प भी लग गया है, पहले इसी वाली मशीन का सेक्शन लगा हुआ था इसमें। यहाँ पर जो सब्जी लगी है, सब्जी की सिंचाई होती थी। और इधर साइड देखिए, ये लोग नाली बना रहे हैं अपने लिए पानी बहाने के लिए। बढ़िया नाली नहीं, हमें लग रहा है नहर बना रहे हैं। देखिए, बहुत ही चौड़ी नाली बना रहे हैं, इतनी चौड़ी करने की ज़रूरत नहीं थी, थोड़ा बहुत भी कर देते तो पानी निकल जाता। इधर साइड खेत में पानी जाता था, इसीलिए नाली बनवा रहे हैं, और वो लोग आगे नाली बना रहे हैं। इतना चौड़ी नाली मत बनाओ भाई, थोड़ा सा कर दो पानी निकल जाएगा, इतना चौड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। और गाइस, इस समय ब्लॉग कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है क्योंकि फ़ोन हमारा ख़राब हो गया है। और ये देखिए, दादी भांजी को तेल लगाई हैं, अभी लेटे हुए हैं धूप में, धूप ले रहे हैं। कैसा फील हो रहा है? अच्छा लग रहा है? देखिए, हाथ पकड़े हुए हैं। और हम भी रेडी हुए हैं, नहा के खाना पीना खा के जा रहे हैं मार्केट, कुछ काम है। और ये देखिए, उन लोगों की खेत की कटाई भी शुरू हो गई है। और अभी हम लोग रास्ते में हैं, कुराव मार्केट के लिए जा रहे हैं। और गाइज, हम लोग अब कुराव मार्केट में एंटर करने वाले हैं। ये देखिए, यहीं से मार्केट स्टार्ट होता है। हम लोग मार्केट में चाबी बनवाने के लिए आए हैं, और देखिए दुकान पर पहुंच गए हैं। ये भैया चाबी बना रहे हैं, यहाँ पर सभी तालों की चाबी बन जाती है। यहाँ पर जो पुरानी टार्च है वो भी रिपेयर होती है, ये चाबी भी बनाते हैं और टार्च भी बनाते हैं। तो देखिए, चाबी बना रहे हैं और यही है चाबी बनाते हैं, और इनकी दुकान है देखिए। तो गाइस, हम लोगों का मार्केट का काम हो गया, वापस घर पर जा रहे हैं। और अभी शिवा को बस भी बिठाना है, आज शिवा हॉस्टल वापस जाएगा, और आज शिवा वापस हॉस्टल जा रहा है, तो शिवा को ड्रॉप करने के लिए जा रहे हैं। बस बैठा देंगे तो शिवा चला जाएगा। कल मनीष भी वापस कोटा चला गया है, कल मनीष को घर से निकलने में लेट हो गया था, तो मनीष की बस भी छूट गई थी। फिर वो दूसरी बस भी निकल गई, तीसरी, फिर चौथी बस मिली थी उसको, तो चौथी बस से फिर यहाँ से प्रयागराज गया, फिर वो ट्रेन से आगे बैठ के गया कोटा। तो आज शिवा को पहले ही छोड़ दे रहे हैं क्योंकि कल मनीष को लेट हो गया था, तो डर लग रहा है कि शिवा की बस ना निकल जाए, तो जा रहे हैं आज पहले ही शिवा को छोड़ देंगे। और देखिए, शिवा रेडी भी है, इधर साइड खड़ा है, तो चला जाए शिवा फिर। हाँ, फिर चला जाए। हम लोग मार्केट में आ गए हैं, बस का वेट कर रहे हैं, यहाँ पे बस आने वाली है। तो फाइनली गई, देखिए बस भी आ गई है, यही वाली है। अब शिवा इस पर बैठ कर हॉस्टल जाएगा, और देखिए शिवा भी रेडी है बस पर बैठने के लिए। और गई जी, देखिए शिवा बस में जा रहा है, बस में बहुत ज़्यादा भीड़ है, देखिए जगह नहीं है, खड़े होने के लिए भी जगह नहीं है। अब जैसे तैसे करके बस में घुस रहा है, और बोरी वाला सामान जो था ऊपर रख लिए है। तो गई, शिवा को ड्रॉप कर दिए हैं, शिवा को बस तो मिल गई बट सीट नहीं मिली है। जैसे तैसे करके बस में घुस गया है, बट सीट नहीं मिली उसको, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो शिवा को बस में बैठाने के बाद हमें मार्केट में काम था कुछ, तो मार्केट का काम करके वापस घर पर आ गए हैं।